वक्षोजों को धारण करने वाली होकर के विराजमान हो। सो कमठ कमठ उत्कृष्ट स्तन, कमठ के समान उत्कृष्ट वक्षोज उनको धारण करके विराजमान हो, उनसे संगत होकर के, उनसे युक्त होकर के विराजमान। तो लोग मत कच्छप अवतार भी आपके अधीन हो गया। और क्रोड़े न स्फुरता, क्रोड़ कहते हैं, क्रोड़ के दो अर्थ होते हैं, क्रोड़ माने वराह, और क्रोड़ का एक अर्थ होता है कमर। तो आप भी सुंदर कटी से युक्त हो। और क्रोड़े न स्फुरता, जैसे मैंने पहले क्रोड़ वराह अवतार धारण किया था, ऐसे आप भी अपनी क्षीण कटी से सुशोभित होकर के विराजमान हो। क्रोड़े न स्फुरता। फिर मैंने एक अवतार धारण किया था मिसिंग, और वो मिसिंग अवतार प्रहलाद का संवर्धन करने वाला था। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए मैंने मिसिंग अवतार धारण किया। और हे श्री प्रिय, आपके भी तवायम अधरः प्रहलाद संवर्धनः, आपके ये अधर भी मेरे हृदय में प्रहलाद माने आनंद उनका संवर्धन करने वाले हैं। लोग प्रहलाद संवर्धन शब्द की समानता को लेकर के मिसिंग अवतार को श्री किशोर जी के अधीन बना दिया कि तुम्हारे अधर मेरे हृदय में आह्लाद का उसी प्रकार संवर्धन करते हैं जैसे श्री नृसिंह वे प्रहलाद दैत्यराज उनका संवर्धन करते हुए विराजमान हुए। प्रहलाद संवर्धन और मध्यो स्वरूप बल बंधना। बोल मैंने एक अवतार धारण किया, वो था बामन अवतार। और उस बामन अवतार में बल बंधन, मैंने बल राजा को भी बांध लिया। बल राजा से मानो तीन पाम पृथ्वी नहीं मांगी, मानो ये कह रहे हैं, जगत को शिक्षा दे रहे हैं कि अरे जगत के जीवों, तुम धर्म अर्थ काम इन तीनों को मुझे समर्पित कर दो और मुझसे प्राप्त करो क्या, बोल भक्ति रूपी मोक्ष। तीन कदम का तात्पर्य है कि भौतिक सुख के लिए जो धर्म अर्थ काम का प्रयोग कर रहे हो, इन भौतिक सुखों के लिए उन इन तीनों चरणों को त्याग करके जो अंतिम चरण भक्ति रूपी मोक्ष है उसको ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। यही बामन होकर के तीन पाम पृथ्वी मांगने का तात्पर्य था। और श्री बलराजा ने भी श्री कृष्ण सुखार्थ धर्म अर्थ और काम इन तीनों का त्याग करके कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा रूपी जो सुख है उसको ही परम फल के रूप में प्राप्त किया। दो चरण में सारे धर्म अर्थ काम इनको प्राप्त करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को प्राप्त कर लिया। और जब दो चरणों से काम नहीं चला और कहा तृतीय मुकल्प हो तीसरे चरण के लिए मुझे पृथ्वी दे, तो बल राजा ने जब आत्मसमर्पण किया, वो आत्मसमर्पण रूप जो चतुर्थ चरण है या तीसरा जो चरण है, उस तीसरे चरण के द्वारा ऐहिक और आनुष्मिक दोनों सुखों को त्याग करके तीसरा जो चरण है माने कृष्ण सुखार्थ आत्मसमर्पण, उसको जब श्री कृष्ण ने प्रदान किया वो ही बलराजा का तत्वतः बलदान था। बलदान का तात्पर्य किसी कोल्हा को, किसी कुम्हड़े को, किसी पशु को, किसी बैल को, किसी अश्व को बलदान करना, ये बलदान नहीं है। बलि का दान मुख्यता क्या है, आत्मसमर्पण करना, इसी का नाम वास्तविक बलदान है। बलदान का वास्तविक अर्थ यदि कहीं होगा तो बलदान का वास्तविक अर्थ बल राजा ने जो आत्मसमर्पण किया वही बलदान का मुख्य अर्थ है, वही बलदान ही स्वीकृत बलदान है। जो कर्मकांड में जिस बलदान की बात कही गई, किसी कुम्हड़े को, किसी फल को कहीं समर्पित करना, किसी पशु को समर्पित करना, वो बलदान बलदान नहीं है। बल राजा ने जो दान किया धर्म अर्थ काम इन तीनों का त्याग करके ऐहिक और आमुष्मिक सुख को न चाहना, तीनों को तो त्याग कर देना और कृष्ण सेवा रूपी फल को प्राप्त करना, इस दान को प्राप्त किया। तो मैंने बामन अवतार भी धारण किया और मध्यो सौ बल बंधना, जो
बल्ले राजा को मैंने बांध करके रखा, मेरा वो वामन स्वरूप भी आपके ही समर्पित है। कैसे? बोले बलि शब्द का दो अर्थ हुए, बल शब्द में श्लेष है और बल शब्द का एक अर्थ तो हुआ बल्ले राजा, वो अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया। अब दूसरा जो अर्थ है वो है बलि बंधन का, मतलब है कि आपके उदर में आपके पेट में तीन रेखाएं त्रिवली विद्यमान है, तो बल बंधन परम सुंदरी होकर के आप विराजमान है और जो उदर में तीन रेखाएं विराजमान है त्रिवली विराजमान है वो त्रिवली से के बंधन से आप युक्त होकर के विराजमान है वो ही मानो आज आज मैंने अपने उस बल बंधन स्वरूप को माने वामन स्वरूप को भी आपके अधीन कर दिया है। मध्योसौ बल बंधना, मध्य में आपकी जो त्रिवली का बंधन है इस त्रिवली के बंधन के रूप में ही मानो बल को बांधने वाला जो वामन रूप है वो वामन रूप भी आपके समर्पित होकर के विराजमान। यहां पर जो श्लेष अलंकार है उस श्लेष अलंकार शब्द साम्य के कारण श्लेष दो प्रकार का होता है, एक शब्द श्लेष एक अर्थ श्लेष। कहीं अर्थ श्लेष का प्रयोग है कहीं शब्द की समानता लेकर के, बलि माने त्रिवली और बलि माने बल्ले राजा, ये शब्द की समानता है अर्थ की समानता नहीं है, परंतु शब्द की समानता से भी मैं बल बंधन होकर के ही विराजमान हूं। अर्थात बल बंधन मेरा जो वामन स्वरूप है वो भी त्रिवली के रूप में आपकी कमर में भी विराजमान है, अर्थात आपके उदर में सुंदर नाभि के ऊपर तीन जो रेखाएं हैं क्षीण जो सुंदर गहरी नाभि, उस नाभि के ऊपर तीन जो रेखाएं हैं वो तीन रेखा उदर में वो त्रिवली अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है। मानव बल बंधन स्वरूप भी आपके पास में है और मुखरुचा रामास्वया निर्जिता, हे श्री किशोरी जी मैंने तीन रामों के स्वरूप को धारण किया, माने पहले परशुराम फिर श्रीराम और फिर बलराम, ये तीन रामा हैं, तीनों जो राम स्वरूप हैं वो धारण किए। और आप भी कैसी हो कोई शब्द श्लेष में कि रामास्वया निर्जिता, कि अनेक अनेक रामा माने सुंदरियों को आपने अपनी शोभा से जीत लिया। अब रामा श्लेष, राम माने बलराम परशुराम और श्रीराम, इनको ये तीन राम के स्वरूप थे परंतु आपने सारी रामाओं को लक्ष्मी प्रभृति सारी रामाओं को भी जीत लिया है, लक्ष्मी को भी जीत करके आप विराजमान हो। ले श्री घनता और हे श्री प्रिय मैंने एक अवतार धारण किया वो स्वरूप है फिर श्रीघन, श्रीघन माने श्री बुद्ध भगवान का स्वरूप, श्रीघन बुद्ध भगवान का नाम है। तो ले वे श्रीघनता मैंने श्रीघन स्वरूप को धारण किया। कहीं पुरातत्व में और धार्मिक इतिहास के प्रसंग में बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मूर्ति, यद्यपि भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी एक आध मूर्ति बनी थी, उनमें एक मूर्ति जो भगवान बुद्ध के समय में बनी उस मूर्ति में से एक मूर्ति मथुरा में भी विद्यमान है, मथुरा म्यूजियम में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो भगवान बुद्ध के जीवन काल की ही मूर्ति। अन्यथा पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान की मूर्ति आर्कियोलॉजी में आई नहीं थी, कहीं भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं थी और बौद्ध धर्म में प्रतीक पूजन ही था, अर्थात वहां स्तूप के रूप में श्रीवत्स के रूप में या बोध वृक्ष के रूप में भगवान बुद्ध की पूजा थी। तो पुरानी जितने भी फलक मिलते हैं इतिहास में और पुरातत्व में वे सारे के सारे फलक प्रतीक पूजन के रूप में हैं, कहीं बोध वृक्ष के रूप में हैं, कहीं स्तूपों के रूप में हैं,
कहीं केवल जो स्वस्तिक है, स्वस्तिक के रूप में, कहीं कलश के रूप में, कहीं कमल के रूप में बुद्ध भगवान का पूजन रहा। बाद में बुद्ध के जीवन काल के बहुत अंत में, और अंत जीवन काल में ही अंतिम छोर में, कहीं भगवान बुद्ध की एक दो मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गया था। बाद में भगवान बुद्ध की मूर्तियां सब जगह प्राप्त हुई, परंतु शुरू शुरू में स्तूप के रूप में ही मूर्ति प्राप्त हुई। तो जो बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई वे कहीं श्रीवत्स के रूप में या स्वस्तिक के रूप में या जो स्तूप है या बोध वृक्ष उनके रूप में ही विशेष रूप से प्राप्त हुए, इसलिए बुद्ध का एक नाम हुआ श्री घन, अर्थात श्रीवत्स इत्यादि के चिन्हों के रूप में बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई। तो बुद्ध का नाम, भगवान बुद्ध का नाम श्रीघन, श्रीघन करके प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह से महावीर की जितनी भी मूर्तियां बनी, बहुत बाद में महावीर की मूर्ति, तीर्थंकर की मूर्ति आई है। शुरू शुरू में तीर्थंकर की जैन धर्म में भी जितनी भी मूर्तियां रही, वो पुरातत्व शास्त्र ये कहता है कि वो मूर्तियां कहीं प्रतीक के रूप में ही रही। और वहां पर श्रीवत्स, श्रीवत्स का मतलब है कि तीन गोले और उनमें नीचे कहीं झालर लटकन लगी हुई, उसका नाम श्रीवत्स है। तो श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में या कलश के चिन्ह के रूप में या कमल के चिन्ह के रूप में श्री जैन धर्म में भी सारी मूर्तियां कहीं रही। यहां पर श्री घन इस शब्द का कहीं व्याख्यान कर रहे थे, तो श्री घन का तात्पर्य इस तरह से जो प्रतीक रूप में श्रीवत्स उनकी पूजा कहीं होती रही, इसलिए श्री घन कहने का तात्पर्य है भगवान बुद्ध। तो मैंने जो बुद्ध अवतार धारण किया वो बुद्ध अवतार भी आपको ही समर्पित है। कैसे? क्योंकि आप भी श्री घन माने चंदन। श्री घन के दो अर्थ हो गए, श्री घन का एक अर्थ हुआ भगवान बुद्ध और श्री घन का दूसरा अर्थ हुआ चंदन। आप भी अपने श्री अंग के ऊपर चंदन धारण करते हुए विराजमान, और चंदन से घनीभूत होकर के आपका श्री अंग विराजमान है। तो नौ अवतार तो हो गए, अब एक अवतार रह गया, वो है कल की। सो हे प्रिय, उस कल की अवतार को हम क्यों धारण कर रखा है अपने मन में? कलह करने वाला जो अवतार है इसको मन में क्यों धारण कर रखा है? तो माननी, अरे माननी मनसी, तुमने अपने मन में अंगीकृता कल्किता, ये कलह करने का जो स्वभाव है, कल्किपने का जो गुण है, उसको क्यों धारण किया? दश अवतारों में कृष्ण अवतार नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी दशावतारों के बीच में कृष्ण अवतार को भी कहीं गिना दिया जाता है, वो गलत है। यहां पर श्री जी गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी ने जो पद्धति निरूपण की उसमें चंचल मीन मत्स्य अवतार, फिर कमट कछुआ कच्छप अवतार, फिर क्रोध वराह अवतार, फिर वराह अवतार के बाद में नृसिंह प्रहलाद संवर्धन नृसिंह अवतार, फिर नृसिंह अवतार के बाद में वामन बलबंधन अवतार, फिर बलबंधन अवतार के बाद में तीन राम, परशुराम श्रीराम और बलराम, इन तीन अवतारों को स्वीकार किया। फिर नवा अवतार हुआ श्रीघन माने बुद्ध अवतार, और दसवां अवतार हुआ कल्कि। इसलिए कृष्ण अवतार ही है, दस हैं अवतार, ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए ये कहीं स्पष्ट रूप से यहां पर प्रमाण भी प्राप्त है कि कृष्ण दस अवतारों में नहीं है, कृष्ण अवतारी होकर के ही विराजमान है और दस उनके अवतार। तो ले वैश्विक, तो मेरे सारे जो स्वरूप हैं ये आपके ही अधीन होकर के विराजमान। हे श्री प्रिय, आप भी श्री स्वरूपा होकर के विराजमान। प्रसंगानुसार एक रहस्य यहाँ पर उद्घाटन रसिक जनों ने, श्री जीव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में
जो प्रकट किया कि यद वांछया श्री रंगना चरक तपाहा बेहाय कामन, नाग पत्नी रण ऋषि की स्तुति करते हुए कह रही है कि लक्ष्मी को भी वह सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे पति इस काली ने ऐसा कौन सा सत्कार्य किया, कौन सा ऐसा पुण्य किया कि आपकी चरण रज इसके मस्तक के ऊपर आपने अपने चरणों को स्थापित किया। यहां पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार श्री गौरहरि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलन, आप जब दक्षिण में विराजमान है वेंकट भट्ट, वेंकट भट्ट जी के पास में विराजमान है। अब वेंकट भट्ट जी ये रामानुज है और श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले। महाप्रभु ने हंसी करते हुए कभी हंसी कर दी, हंसी करते हुए कह दिया कि हमारे कृष्ण इतने मीठे हैं कि तुम्हारी लक्ष्मी जी भी नारायण को छोड़ करके हमारे कृष्ण की आराधना करती है और उनके साथ में रास करना चाहती है। और उसमें महाप्रभु ने अरे हंसी में, मित्रों की हंसी में परिहास में है कि लक्ष्मी वे भी नारायण को छोड़कर के कृष्ण में आसक्त हो जाती हैं, परंतु हमारी गोपिकागण भला कृष्ण भी यदि कभी दो से चार भुजा भी धारण कर ले तो भी उनकी ओर आकर्षित नहीं होती है, परंतु तुम्हारी लक्ष्मी वे हमारे कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती है। ये हंसी हो रही थी, परिहास की बात ही थी और परिहास की बात कर रहे। अब श्री वेंकट भट्ट जी पर कोई उत्तर देते नहीं बोलते, कोई नहीं नहीं कृष्ण लक्ष्मी दोनों एक स्वरूप में हैं, और निरंतर से होने लगे। बाद में श्री महाप्रभु ने उसका समाधान किया और उसी समाधान को बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक श्री जीव गोस्वामी जी ने दिया, जिसको हम सबको समझ लेना चाहिए। भ्रम नहीं करना चाहिए उपासना में, ये कोई भ्रम नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी के चार स्वरूप हैं, ये श्रीमद् भागवत के 16वें अध्याय में यद वांछया श्री रंगनाचर तपा, इसकी वैष्णव तोष्णी टीका में श्री जीव गोस्वामी जी ये सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं। जहां पर नाग पत्नियों ने कृष्ण की स्तुति की है उसी प्रसंग में ये इस ये श्लोक आया कि लक्ष्मी को भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उस वो सौभाग्य हमारे पति को प्राप्त हुआ कि आपके चरण उनके मस्तक के ऊपर विराजमान हुए, जबकि लक्ष्मी आपके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके रास विलास करने की इच्छा करती हैं, परंतु उनको वो रास विलास प्राप्त नहीं हुआ और लक्ष्मी बेलवन में जाकर के तपस्या कर रही है। अब इस बात का समाधान, ये तो हुआ पूर्व पक्ष, और इसका समाधान जीव गोस्वामी जी ने चार प्रकार से दिया। बोले लक्ष्मी के चार स्वरूप है। लक्ष्मी का एक स्वरूप है जो परम व्योम वैकुंठ नायक श्री नारायण की परम प्रिया होकर के विराजमान है, और वे जब ये जानती हैं कि कृष्ण और नारायण दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक हैं, इसलिए नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करके लक्ष्मी सदा आनंदित है, सदा विलास करती हुई विराजमान है, परंतु वे नारायण के कृष्ण रूप के साथ में विलास करना चाहती है कि नारायण के चतुर्भुज रूप की जगह यदि उनका कृष्ण स्वरूप मेरे सामने आए तो उसमें माधुरी की अधिकता है, इसलिए लक्ष्मी के हृदय में अभिलाषा होती है। परंतु तत्वतः लक्ष्मी जो विलास करना चाह रही है, वेंकट भट्ट जी घबराइए मत, लक्ष्मी का पात्र वृत्ति खंडित नहीं हो रहा है, लक्ष्मी नारायण के ही किसी मुरली मनोहर स्वरूप का दर्शन करना चाह रही है, इसलिए वे पतिव्रता है। उनके मन में बड़ा दुख हो गया कि हाँ हमारी लक्ष्मी जी के ऊपर ये उंगली उठाई जा रही है कि इनमें पातिव्रत्य नहीं है और अपने पति को छोड़ करके और दूसरे के सौंदर्य का आस्वादन करना चाह रही है। तो महाप्रभु ने लीपापूर्ति कर दी कि कृष्ण और नारायण दो अलग अलग है नहीं, और लक्ष्मी जो
कृष्ण स्वरूप का आस्वादन करना चाह रही है, वो तत्वतः नारायण के साथ में ही विलास करना चाह रही है, परंतु नारायण के ऐश्वर्य में स्वरूप की भी अपेक्षा, जब नारायण का कोई लीला में रसमय स्वरूप है उसकी ओर लक्ष्मी ज्यादा उत्सुक है, इसलिए लक्ष्मी का पात्र वृत्ति खंडित हो गया, ऐसा मन में दुख मानने की जरूरत नहीं। एक समाधान, अब लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है, वो स्वरूप है श्री कृष्ण की अंग संगता, संगता लक्ष्मी, माने कृष्ण के वक्षस्थल के ऊपर भी तो श्रीवत्स का चिन्ह है, ऐसा थोड़ी है कृष्ण के पास में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है, लक्ष्मी तो कृष्ण के वक्षस्थल के ऊपर भी क्रिया कर रही है, परंतु ये लक्ष्मी भिन्न है, ये वो वैकुंठ वाली लक्ष्मी नहीं है, बल्कि ये कृष्ण अंग संगता लक्ष्मी है, जो कृष्ण की अंग संग वाली लक्ष्मी है वे कृष्ण का ही आस्वादन प्राप्त करती है, ये दूसरा लक्ष्मी का स्वरूप। अब लक्ष्मी का एक तीसरा स्वरूप है, वो तीसरा स्वरूप ये कि श्री राधिका स्वयं महालक्ष्मी स्वरूप है, शास्त्र कह रहे हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा, श्री राधिका में तो सारी लक्ष्मियां विराजमान हैं और उनकी अवतारणी होकर के विराजमान, तो चिन्ह रूप में भी लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी जी को श्रीवत्स चिन्ह के रूप में भी नारायण के वक्षस्थल पर विलास करने का सौभाग्य प्राप्त है, और उन्हीं लक्ष्मी को श्री राधिका में यदि वे अवस्थित है, राधिका सब अवतारियों जितनी भी लक्ष्मी है उनकी अवतारणी होकर के विराजमान है, इसलिए राधिका के साथ में जो मिलन प्राप्त है उसमें भी लक्ष्मी अपने आप प्राप्त है, क्योंकि राधिका सर्व लक्ष्मी वही होकर के विराजमान, इसलिए श्री साक्षात प्रिया के रूप में भी राधिका विराजमान, ये तीसरी लक्ष्मी। अब चौथी लक्ष्मी एक और हुई, वो चौथी लक्ष्मी हुई कि श्री नृसिंह के साथ में भी लक्ष्मी है और बावन के साथ में भी लक्ष्मी है और मत्स्य के साथ में कूर्म के साथ में जितने भी भगवत अवतार हैं इन सब के साथ में भी इनकी शक्ति विराजमान है, वे भी शक्ति, तो वे भी यदि श्री राधा रानी का यदि ये सारी लक्ष्मियां श्री कृष्ण के माधुरी का आस्वादन तब प्राप्त कर सकेंगी साक्षात रूप में, श्री राधिका में समाहित होकर के विराजमान है वो ठीक है, पर तो साक्षात आस्वादन नहीं है, साक्षात आस्वादन उनको प्राप्त करना है, और यदि भी ये चाहती हैं कि हम अलग से स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण के साथ में रास में सम्मिलित हों, तो उन सारी लक्ष्मियों को दो शर्त पूरी करनी पड़ेगी, ये गौरियाओं की जो विषय है जो इस विषय में जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल साफ साफ समझ लेना चाहिए कि यदि लक्ष्मी दो शर्तों को पूरा करती हैं तो उनको कृष्ण अधरामृत की प्राप्ति नायिका रूप में हो जाएगी, और यदि दो शर्तों को पूरा नहीं करती हैं तो लक्ष्मी को श्री कृष्ण अधरामृत की प्राप्ति नायिका रूप में नहीं होगी, वह कहीं परंपरा श्री राधिका में तादात्म्य प्राप्त करके भले हो जाए पर साक्षात अधरामृत प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। दो शर्त कौन सी है, पहली शर्त है कि उस लक्ष्मी को मैं देवी हूं इस अभिमान को त्याग करना पड़ेगा, क्या हो जब तक वो ये अभिमान धारण करके बैठी रहेगी कि मैं देवी हूं तो ठाकुर कहेंगे भैया देवी है तो किसी देवता का पल्ला पकड़, जो ग्वालिनी बनेगी वो मेरे साथ में रास में सम्मिलित होगी, और यदि ग्वालिनी नहीं बनती है, ग्वालिनी अभिमान धारण नहीं करती है तो रास में सम्मिलित तू नहीं हो सकती, इसलिए लक्ष्मी को रास की प्राप्ति नहीं हुई और श्रुतियों को रास की प्राप्ति हो गई, क्योंकि श्रुतियों ने देवी बने का अभिमान त्याग कर दिया और हम गोपी हैं इस अभिमान को धारण कर दिया, पहली शर्त। अब दूसरी शर्त कि केवल गोपी बनने से भी काम नहीं चलेगा, केवल गोपी बनने से भी काम नहीं चलेगा, काम चलेगा तब
जब वो गोपी श्री राधिका के आनुगत्य को ग्रहण कर लेगी, राधिका के चरण को ग्रहण कर लेगी, तब तो उसे रास में प्रवेश मिल जाएगा। जैसे श्रुतिचरी मुनिचरी गोपियों को गोपी बन करके राधिका आनुगत्य ग्रहण करने से रास की प्राप्ति हो गई, परंतु यदि कोई मुनिचरी यदि कोई ब्राह्मणी ये अभिमान धारण करे कि हम तो ब्राह्मण पत्नी हैं, तो ठाकुर ये कहेंगे कि भतरों से भात तो लिया और भात हम खा भी लेंगे पर फिर लौटा देंगे, रास्ते में सम्मिलित नहीं करेंगे। जितनी भी ब्राह्मणी हैं उन ब्राह्मणियों को श्री कृष्ण ने रास में सम्मिलित नहीं किया, यज्ञ पत्नियों को भतरों पर भात को तो ले लिया, उनकी सेवा को तो ग्रहण कर लिया और उनको लौटा दिया और कहा ब्राह्मण अभिमान धारण कर रही हो तो पुजारी बन करके रहो, क्योंकि मैं हूं ब्रह्मण्य देव और ब्रह्मण्य देव होने के कारण भगवान का एक स्वभाव है कि सेवा करने में यदि किसी के किसी ब्राह्मण के द्वारा कदाचित कोई त्रुटि भी हो जाती है तो ब्रह्मण्य देव होने के कारण ब्राह्मण प्रिय होने के कारण ठाकुर सेवा अपराध को जल्दी से क्षमा कर देते हैं, दूसरे वर्णों की सेवा अपराध को उतनी जल्दी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए प्रायः जहां भी पुजारी रखे गए उस पुजारी रखने में ब्राह्मण शरीर की प्रधानता है, ब्राह्मण शरीर वाले को ही विशेष रूप से पुजारी रखा जाता है, इसलिए क्योंकि ठाकुर ब्रह्मण्य देव हैं और ब्राह्मण के द्वारा किए गए सेवा अपराध को जल्दी से क्षमा कर देते हैं। तो आपने यज्ञ पत्नियों से भी कह दिया कि आप जो चतुर्विध अन्न लेकर के आई हैं, मुझे भूख लगी खेलने खेलने में, और आप जो अन्न लेकर के आई हैं लाओ इस अन्न को, तुम तो पुजारी हो और पुजारी पुजारी बन करके रहोगी, आनंद पूर्वक घर में जाकर के मेरी पूजा करना, ऐश्वर्य में मेरी पूजा करते रहो, हुए रहना, लाओ ये अन्न स्वीकार कर लेता हूं, पर मेरे साथ में रास विलास की प्राप्ति होगी तब जबकि मैं ब्राह्मणी हूं इस भाव को तो छोड़ोगी और मैं गोपी हूं, मैं कृष्ण दासी हूं, राधा रानी की मंजिली हूं, इस भाव को धारण करके यदि विराजमान होगी तो माधुर्य आस्वादन की प्राप्ति होगी, नहीं तो केवल ऐश्वर्यपूर्ण सेवा मात्र को मैं ग्रहण करूंगा। यज्ञ पत्नी कहती रही कि हम तेरी बनने के लिए आई हैं, परंतु श्याम सुंदर ने जरा सा यज्ञ पत्नियों को लोभ दिखाया और जरा सी आंख दिखाई, इतने में इनका सारा प्रेम पिलपिला होकर के समाप्त हो गया, सब प्रेम समाप्त, जरा सा लोभ दिखाया कि तुम्हारे बिना तुम्हारे यज्ञ पूरे नहीं होंगे और मेरी कृपा से तुम्हारे पति तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, तुम इस बात को भुला दो, चिंता मत करो कि वे तुम्हारा त्याग कर देंगे, ये लोग दिलाया कि तुम्हारे पति तुम्हारे प्रति पहले से भी ज्यादा आदर भाव रखेंगे क्योंकि तुम कृष्ण सेवा में प्रवृत्त हुई हो, इस बात को देख करके तुम्हारे पति तुम्हारे प्रति अधिक आदर भाव धारण करेंगे। ये बात जहां कही वहां पर लोग दिखाया सो इस लोभ के चक्कर में आ गए और लौट गए और ब्राह्मणी पदे को अपनाती रही और ऐसे जरा सी आंख दिखाई कि हाय हाय तुम्हारे पतियों ने प्रारंभ किया हुआ है यज्ञ और तुम जब तक वहां पर पहुंचोगी नहीं तब तक बिना पत्नी के पूर्णा होगी होगी नहीं, यज्ञ पूरा होगा नहीं, और यदि यज्ञ अधूरा रह गया हाय हाय तुमको कितना पाप लगेगा, जहां पाप की गैया खाड़ी थी सो ये सारी प्रीति खत्म। तो श्री कृष्ण जरा सा लोभ दिखाते हैं जरा सा भय दिखाते हैं यज्ञ पत्नियों का जो कृष्ण प्रीति है वो कृष्ण प्रीति समाप्त हो जाती है, परंतु ब्रज गोपिका करो उनकी प्रीति कहीं भी समाप्त नहीं होती है। तो चौथे प्रकार की जो लक्ष्मी है उनकी स्थिति यह है कि यदि उन लक्ष्मियों ने उन श्रुतियों ने उन वेद की ऋचाओं ने यदि गोपी भाव धारण कर लिया और राधिका अनुगत्य धारण कर लिया तब तो उनको रास की प्राप्ति हो गई, और जिन्होंने धारण नहीं किया वे यद बांछे आशी वंदना चरण तथा वो लक्ष्मी वेद वन में कितना भी तप करती रहे उनको रास की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तो
तो लक्ष्मी के ये चार स्वरूप फिर से दोहरा दें, लक्ष्मी का एक स्वरूप है परम व्योम वैकुंठ नाथ, उनकी प्रिया होकर के जो विराजमान है वे श्री कृष्ण के साथ श्री नारायण के साथ में ही विलास करना चाहती हैं, पर नारायण के मधुर रूप का दर्शन करके विलास करना चाहती हैं, इसलिए उनका पातिव्रत खंडित नहीं होता है, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि वे पतिव्रता नहीं है, चंचला है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। लक्ष्मी का दूसरा स्वरूप है श्री राधिका, स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है और ऐसी स्थिति में श्री राधिका में सारी लक्ष्मी समाहित हैं, परंतु परोक्ष रूप में तो उन्हें कृष्ण का अनुभव प्राप्त हो जाएगा, साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए तभी वे लक्ष्मी समर्थ होंगी जब उन लक्ष्मियों में देवी भाव का त्याग, गोपी भाव की स्वीकृति और राधिका अनुगत्य होगा। तो साक्षात स्वरूप धारण करके, गोपी रूप धारण करके रास मंडल में स्थित होकर के कृष्ण की भुजा को वे अपने कंधे के ऊपर धारण करने में समर्थ होंगी। तीसरे प्रकार की जो लक्ष्मी है वे कृष्ण अंग संगनी लक्ष्मी है और इनका तो कहना का ये स्वरूप लक्ष्मी है, इनकी कोई तुलना नहीं है, जैसे श्री कृष्ण के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान लक्ष्मी का चिन्ह, श्री वत्स का चिन्ह। चौथे प्रकार की जो लक्ष्मी है वो है वे देवीगण या अवतारों की वे शक्तिगण, वे भी यदि राधिका अमृत्य और गोपी भाव इनको धारण करके विराजमान होंगी तो उनको रास की प्राप्ति होगी, नहीं तो रास की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार ये जो बात कही गई श्री महाप्रभु और श्री वेंकट भट्ट ये आपस में जो परिहास कर रहे हैं वो परिहास में श्री महाप्रभु भले कह रहे हैं कि तुम्हारी लक्ष्मी देखो हमारे कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती है, हमारी श्री राधिका वो किसी की ओर आकर्षित नहीं होती है, और कभी चार भुजा भी प्रकट कर दे तो श्री राधिका का भाव संकुचित हो जाता है, वे द्विज के साथ में ही प्रीति करना चाहते हैं, ये सिद्धांत उन पर गया। तो ले श्री घनता दे, ये श्री घनता शब्द इसमें अटक गए, ये लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो लक्ष्मी जी के स्वरूप का भी निरूपण किया, लक्ष्मी परम परम वंदनीया श्री नारायण की प्रिया होकर के विराजमान है और परम पतिव्रताओं में मुक्तमणि होकर के विराजमान है, श्री कृष्ण स्वरूप की महिमा इसके द्वारा प्रकट हो रही है, परंतु उनके पातिव्रत का कहीं भी खंडन नहीं हो रहा है, इसलिए झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लक्ष्मी बड़ी के राधिका बड़ी, ये सब झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि ये दशावतार मैंने तुमको समर्पित कर दिए हैं, संक्षिप्त में बस समाप्त कर रहे हैं कि चंचल मील बिलोचना से मेरा मीन अवतार व आपके बिलोचन मन नेत्रों में मीना